भिंडी की सब्जी बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी तरीके से आज हम बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरी रेसिपी में। आज मसाला पराठा और भिंडी की सब्जी बहुत नए तरीके से फ्रेंड बनाएंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी को पहले से धुल दिया, फिर इससे सारा पानी इसका सूख जाए अच्छे से। यहाँ पे हम मुलायम भिंडी लेंगे, टाइट भिंडी नहीं लेंगे। अब भिंडी को काट लेंगे इस तरीके से भिंडी काट लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। इस तरीके से आप सारी भिंडी काट के कंप्लीट कर लीजिए। अब साइड में रख देंगे। हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले में यहाँ पे हम 10 लहसुन की कली ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च ले लिए हैं, 2 सूखा लाल मिर्च ले लिए हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। पीस के कंप्लीट हो गया है, इस तरह से देख लीजिए, अच्छे से पीस गया है। अब कढ़ाई रख दिए थे, गरम हो गया। इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 स्पून जितना। अब इसमें भिंडी डाल के फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक बराबर चलाते हुए भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से फ्राई कर हो जाता है भिंडी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से फ्राई हो गया। अब इसको खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में इस तरह से। अब कढ़ाई को रख देंगे गैस पे फिर से सब्जी बनाने के लिए। तेल डाल दें 1 टेबल स्पून। तेल गरम हो गया, इसमें कस्तूरी मेथी डाल दें 1 टी स्पून। अब मसाला डाल देंगे, मसाला अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट तक मसाला भूनेंगे। अब हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें 1 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा वाला नहीं डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के अब मसाला ढक देंगे पकने के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद मसाला चेक करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे मसाला। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1 टी स्पून, जो मसाला आप खाते हुए मसाला डाल दें। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, घर की मलाई, जो दूध की घर की मलाई होती है वही डाल देंगे। अब ढक देंगे इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से मसाला पकाएंगे। चलाते हुए बराबर पकाएंगे। अब मसाला अच्छे से पक गया है, इसमें भिंडी डाल के भूनेंगे। भिंडी पहले से भुना हुआ, इसका ध्यान रखेंगे। अब भिंडी को ढकेंगे नहीं, ऐसे खुला छोड़ के पकाएंगे भिंडी को। बराबर चलाते हुए इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे गैस का। इस तरह से भिंडी बनाएंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन के कंप्लीट हो जाता है। भिंडी बन गया। अब मसाला पराठा बनाएंगे। 1 कप आटा ले लिए बनाने के लिए, गेहूं का आटा। 1 कप आटा में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिए हैं, आधी छोटी चम्मच, 1 छोटा चम्मच घी लिए हैं खस्ता करने के लिए। अब इसको बिल्कुल अच्छे से खस्ता कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे काश्मीरी कस्तूरी मेथी, सॉरी कस्तूरी मेथी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी से आटा गूंथेंगे। अब आटा गूंथ लेंगे अच्छे से, जैसे रोटी का आटा गूंथते उसी तरह से आटा गूंथ के कंप्लीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अब आटा गूंथ के कंप्लीट हो गया। अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, सेट होने के लिए। 10 मिनट बाद आटा फिर से उठाएंगे और अच्छे से फिर गूंथ लेंगे एक बार। गूंथने गूंथने से आटा बहुत सॉफ्ट पराठा बनेगा, इस तरह से आप गूंथेंगे। अब मसाला पराठा बनाएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है पराठा, आप बना के ट्राई करें। इस तरह से इसे बराबर लोई काट लेंगे, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। आप
अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से रोटी बेल लेंगे सूखा आटा लगा के, इसमें इस तरह से एक बड़ी रोटी बेल के तैयार करेंगे। रोटी बेल के कंप्लीट हो गया है, बहुत पतला नहीं बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल, घी, बटर आप जो लगाना चाहते हैं डाल सकते हैं, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे बना के। अब चाकू से थोड़ा सा ऐसे साइड में कट कर देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बहुत टेस्टी पराठा बनता है, आप बना के ज़रूर ट्राई करिए। पराठा और भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, अब बेल देंगे। बेलना बहुत आसान है, सेम पराठे की तरह से बेल देंगे इसको। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों के लंच में भी बना के दे सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें टमाटो केचप लगा सकते हैं। इस तरह से बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। सेम प्रोसेस से दूसरा पराठा बना के तैयार करेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसानी से बन के तैयार होता। आप इसे नाश्ते में बहुत आसानी से ले सकते हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। बन के कंप्लीट हो गया, अब तवा पे हम सेकेंगे इसको। थोड़ा सा तेल, घी, बटर आप जिसमें बनाना चाहते बना सकते हैं। इस तरह से डाल देंगे, एक साइड में जब हो जाए तब इसको पलट देंगे। अब तेल एक बार फिर इसमें लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड पलट देंगे, पलटते पलटते हुए अच्छे से पराठा को बनाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितना आसानी से, कितना टेस्टी पराठा बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से पराठा बन के कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से सेम प्रोसेस से अब दूसरा पराठा बना लेंगे। थोड़ा सा तेल, बटर, घी आप जो लगाना चाहते हैं थोड़ा सा लगा सकते हैं, इस पे लगा ले। अच्छे से अलट पलट के दोनों साइड में पका लेंगे। पराठा बन के कंप्लीट हो गया है, अब सर्व करेंगे। भिंडी की सब्जी और पराठा बहुत टेस्टी लगता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना टेस्टी ये सब्जी बना है। आप बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा वो एप्पल का रस बनाए थे वो रखे हैं, आप इसके साथ मीठा भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पराठा बन गया है, बन के कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी सब्जी बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़।